दोस्तों स्वागत है इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपने घर पे जाना चाहते हैं और आपने भी कराया है रेलवे टिकट बुकिंग तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि सभी टिकट को रद्द कर दिया गया है, सभी टिकट को कैंसिल कर दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से यह एक बहुत ही बड़ी और भयंकर खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जितनी भी ट्रेनें की टिकट बुक की गई है वो सभी का सभी कैंसिल कर दिया गया है। अभी का अभी बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेनों का टिकट को कैंसिल किया गया है और कौन कौन सी ट्रेनों का टिकट को कैंसिल नहीं किया गया है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में बगल के घंटी को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। यात्रियों को बड़ा झटका देते हुए रेलवे ने 30 जून 2020 या उससे पहले यात्रा के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द कर दिया है। 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड आपको दिया जाएगा। समाचार एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक भारतीय रेलवे ने 30 जून 2020 तक के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया है, जबकि सभी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अपने समय अनुसार चलेंगी। रद्द किए गए टिकटों का रिफंड भी आपको दे दिया जाएगा। गौरतलब है कि रेलवे ने इससे पहले 17 मई तक ट्रेनों के टिकट कैंसिल किए थे। अब 30 जून तक सभी टिकट कैंसिल करने का रेलवे ने ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि रेलवे ने कहा था कि जल्द ही राजधानी और शताब्दी ट्रेनें शुरू की जाएंगी। ये ट्रेनें 22 मई से चलेंगी और इनमें आगामी 15 मई से बुकिंग शुरू होगी। इनमें IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही टिकट बुकिंग होगी। फिलहाल ट्रेनों में RAC टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट मिलेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।